हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग वर्ग तीन की टॉपिक सीरीज पर बात कर रहे हैं, और वर्ग तीन की टॉपिक सीरीज में हम बात कर रहे हैं हिंदी के व्याकरण और गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की, जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए ये रहा पैसेज आपके सामने, जिस पर आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिए, दो से चार लाइन में आपको पढ़ के सुना देती हूँ उसकी। गोदान प्रेमचंद्र जी की उन अमर कृतियों में से एक है जिसमें ग्रामीण भारत की आत्मा का करुण चित्र साकार हो उठा है। इसी कारण कई मनीषी आलोचक इसे ग्रामीण भारतीय परिवेशगत समस्याओं का महाकाव्य मानते हैं, तो कई विद्वान इसे ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का शोक गीत स्वीकारते हैं। कुछ विद्वान तो ऐसे भी हैं जो कि इस उपन्यास को ग्रामीण भारत की आधुनिक गीता तक स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी हो, गोदान वास्तव में मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक ऐसा उपन्यास है जिसमें आचार विचार संस्कार और प्राकृतिक परिवेश जो गहन करुणा से हैं प्रतिबिंब हो उठा है। और ये रहा बाकी का पूरा पैसेज, एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिए सभी लोग, फिर हम बात करेंगे प्रश्नों पर। चलिए, तो हमने देखा कि हमने एक पैसेज पढ़ा है जो मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना है गोदान, जिस पर आधारित है। अब प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपसे देखते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है गोदान है, गोदान क्या है। पूरे गद्यांश को हम पढ़ चुके हैं, हमें पता लग चुका है कि गोदान क्या है। ए काव्य ग्रंथ, बी उपन्यास, सी कथाकृति या डी महाकाव्य। तो अभी हमने पढ़ा कि गोदान क्या है, एक उपन्यास है। यहां आपसे शीर्षक नहीं पूछा क्योंकि शीर्षक क्या है, गोदान। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक उपन्यास गोदान, तो ये शीर्षक होगा, और गोदान क्या है, एक उपन्यास है। सेकेंड क्वेश्चन है, गोदान को किसने महाकाव्य माना है। विकल्प हमारे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर गोपाल राय ने, उपरोक्त दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ने गोदान को एक महाकाव्य माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विकल्प देख लेते हैं, इसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, ऑप्शन बी इसमें कृषकों की समस्याओं का चित्रण है, ऑप्शन सी इसमें प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण नहीं है, ऑप्शन डी इसमें ग्राम्य जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण है। हमें असत्य कथन बताना है, तो असत्य डेफिनेटली हो जाएगा ऑप्शन सी, कि इसमें ग्राम प्राकृतिक चित्रों का समावेश नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा असत्य है। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, गद्यांश में गद्यांश पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, अभी व्याकरण पर आधारित प्रश्न नहीं आए, देखते हैं आगे अगर आते हैं तो। चलिए अगला ही जो प्रश्न है वो व्याकरण पर आधारित आ चुका है, तो देखते हैं इसे। प्रतिबिंबित शब्द है क्या है, ए विशेषण, बी संज्ञा, सी क्रिया और डी प्रविशेषण। जल्दी से मुझे इसके उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ये चारों की परिभाषा लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूं, तो जल्दी से मुझे इसकी उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वेरी गुड, जिन्होंने इसका उत्तर दिया बिल्कुल सही है, और जिन्होंने नहीं दिया है उन्हें मैं समझा देती हूँ। देखिए ये तीन विकल्प तो मैंने समझा दिए थे, एक चौथा विकल्प यहाँ नया आ गया है प्रविशेषण, इस पे हम बात करेंगे। पर इस पे बात करने से पहले हम बता दें विशेषण इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है, विशेषण। प्रविशेषण की हम बात करें तो देखिए प्रविशेषण क्या होते हैं, ऐसे विशेषण, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं। अब भैया मैडम ये विशेषण की विशेषता क्या होती है, देखिए मैंने बोला आपको विशेषण की विशेषता, तो हमने बोला कि राम दौड़ता है, ठीक है, क्या है, राम दौड़ता है, एक क्रिया है। मैंने बोला राम तेज दौड़ता है,
तेज क्या होगी? उसकी विशेषता, मतलब तेज शब्द क्या है? विशेषण। कैसा दौड़ता है वो? तेज दौड़ता है। अब मैंने फिर एक लाइन और बोली, राम बहुत तेज दौड़ता है। तेज तो यहाँ विशेषण था ही, बट इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत, कि वो दौड़ता तो है तेज, पर बहुत ही तेज दौड़ता है। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे आपको प्रविशेषण पूछ लिया जाए, तो हमें पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। गोदान को निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा गया है? ए उपन्यास, बी गीता, सी महाकाव्य और डी काव्य। तो इसका सही उत्तर होगा काव्य। गोदान को काव्य नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न है, विशदता से क्या तात्पर्य है? इसके विकल्प हैं ए विस्तृत रूप से, बी विशालता सहित, सी परिपूर्णता, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ विशदता से तात्पर्य होगा किसी भी चीज को विस्तृत रूप से समझना, विस्तृत रूप से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए इसका होगा सही उत्तर। आगे देखते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा ऐप पर वर्ग तीन के लिए लाइव वीडियो क्लासेस चलाई जा रही है। अगर आपने अभी तक परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जितने भी लोग वर्ग तीन की तैयारी कर रहे हैं आज ही परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको वर्ग तीन के लिए लाइव क्लासेस मिलेंगे, जिनसे पढ़कर आप अपने एग्जाम की और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहानुभूति का संधि विच्छेद है। संधि की पूरी क्लासेस हम पढ़ चुके हैं पहले, तो एक बार आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। विकल्प इसके हैं सहधन अनुभूति, ऑप्शन बी है सहान धन भूति, ऑप्शन सी है सहाधन अनुभूति और ऑप्शन डी है सहाधन अनुभूति। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सह धन अनुभूति। क्यों हो जाएगा ये सही? देखो अ का मेल अ से हुआ और मिलकर क्या हो गया यहाँ पर? आ बन गया। और जब भी दो समान लघु स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर बने तो वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा विकल्प नंबर एक। अगला देखते हैं, महाकाव्य में कौन सा समास है? और ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। ए अव्यवी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद समास, डी कर्मधारय समास। जल्दी से उत्तर दीजिए। जी जिन्होंने उत्तर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए मैं बता दूं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कब आते हैं? जब विशेषता बताई जाए। और यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? काव्य की। काव्य की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा काव्य है? महाकाव्य है। तो यहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। समास के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए आप एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर हिंदी के वीडियोज देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं, गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहने का क्या तात्पर्य है? विकल्प है गोदान में ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं का विस्तृत चित्रण हुआ है, ऑप्शन बी गोदान ग्रामीण जीवन का काव्य ग्रंथ है, ऑप्शन सी गोदान ग्रामीण जीवन के सभी काव्य ग्रंथों में श्रेष्ठ है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य क्यों कहा? विकल्प नंबर ए देखिए, गोदान को ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं का बहुत विस्तृत चित्रण हुआ है, इसीलिए इसे ग्रामीण परिवेश का महाकाव्य कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न जो है वो है, गोदान शब्द से क्या तात्पर्य? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा जनरल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। गोदान एक बहुत अच्छा उपन्यास है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है?
ऑप्शन ए जमीन का दान, ऑप्शन बी गाय का दान, ऑप्शन सी कुछ वस्तु का दान करना और ऑप्शन डी है धन का दान। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गोदान जो उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है ये है गाय का दान। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? गाय का दान। अगला प्रश्न, गोदान के पक्ष में कौन सा कथन असत्य है? इसके विकल्प हैं ये रहे, ए गोदान ग्राम की संस्कृति की संपूर्णता को उजागर करता है, ऑप्शन बी गोदान में चित्रित ग्राम जीवन का संबंध आज के ग्राम परिवेश से न होकर तात्कालिक ग्राम जीवन से है, ऑप्शन सी है गोदान में शहर की चकाचौंध से विमुख मनुष्यता का चित्रण किया गया है, और ऑप्शन डी है गोदान में ग्रामीण किसानों के घर द्वार व आसपास के परिवेश के चित्र खींचे गए हैं। तो जल्दी से मुझे इसके उत्तर आप लोग दें कमेंट बॉक्स में। हम इसलिए पूछ रहे ताकि हमें पता लगे कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, आप कितना जवाब दे सकते हैं। जी तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदान में शहर की चकाचौंध से विमुख मनुष्य का चित्रण किया गया है, जो दूर है शहर की चकाचौंध से उसका चित्रण यहाँ किया गया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, उपन्यास में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प है उप, उ, आस और न्यास। बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर एक, मतलब ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। अगला है वास्तविक में प्रत्यय। देखो ग्रामर फिर आ चुकी है, पैसेज पे आधारित चार पांच क्वेश्चन थे, अब जो चार पांच आ रहे हैं वो ग्रामर पे आधारित, तो आपको ग्रामर अच्छे से आनी ही चाहिए, तो ग्रामर वाला पक्ष भी अपना मजबूत रखना है। विक ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी एक और ऑप्शन डी क, तो यहां होगा हमारे पास एक प्रत्यय, ये वाला एक प्रत्यय होगा यहाँ पे, कौन सा होगा? एक प्रत्यय। अगला देखते हैं, गोदान उपन्यास किन की रचना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना, बिना विकल्प के जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसके विकल्प नहीं दिखाए जाएंगे, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, अन्यत्र है क्या है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय और कारक। संज्ञा विशेषण बता चुकी हूँ मैं, अवयव कारक आपको पता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल, क्या है अन्यत्र? यहाँ पर एक अवयव है, ठीक है। और इसी के साथ हमारे आज के 15 प्रश्न खत्म हुए, और आप लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले शायद एक महीने के बाद आपका एग्जाम होना संभव है, तो आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से अपनी तैयारी बनाए रखिए, और अपने दोस्त जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि और भी जो वीडियो हम आपके लिए वर्ग 3 के लिए ला रहे हैं उन्हें आप देख सकें और उनसे आप पढ़ सकें, नोटिफिकेशन अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू क्लास। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।